अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एआरवाई न्यूज। मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं कुरतुलैन इकरार। नजर डालते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आज़म को तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने तालिबान को लिखे गए खत से आगाह कर दिया। हुकूमती कमेटी का कहना है कि तालिबान जंगबंदी का ऐलान एक दो रोज में करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुज़ाकरात में कौमी सलामती और पायदार अमन अव्वलीन तरजीह है। तालिबान शूरा का इजलास, हुकूमत से भी सीज फायर का मुतालिबा। जनूबी वजीरिस्तान से फौज के इनखला, बूढ़ों बच्चों और खवातीन की रिहाई के जवाबी मुतालिबात। हुकूमत और तालिबान मुज़ाकराती कमेटियों की कल मुलाकात का इम्कान। खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस जकबाद में दहशतगर्दी का निशाना बन गई। चार बोगियां पटरी से उतर गईं, बच्चों समेत पांच मुसाफिर जां बहक। कलदम वीआरए ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। लवाइकीन के लिए इमदाद का ऐलान। एआरवाई न्यूज पर खबर के बाद मुल्तान की तीन मासूम बहनों की अपील सुन ली गई। बहरिया टाउन के सहजरा मलिक व्यास का 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। माहाना 10,000 भी मुकर्रर कर दिए। एआरवाई न्यूज ने खबर नशर की थी। एआरवाई पर खबर के बाद मुल्तान की तीन मजदूर बहनों की अपील सुन ली गई। बहरिया टाउन के सरबरा मलिक रियाज का 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। महाना 10,000 भी मुकर्रर कर दिए। एआरवाई न्यूज ने खबर नशर की थी। और एक्सपो सेंटर कराची में एआरवाई फैमिली फेस्टिवल भरपूर रंगीनियों के साथ जारी। बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक। ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर रश। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एआरवाई न्यूज।